Hey guys, good morning, welcome back my new vlog. अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। मेरे आंगन में ना ब्रश कर रहा था, एकदम से आ गई बारिश और पूरे बाल और पूरी टी शर्ट हो गई गीली। ठंडी सी भी लग रही है, तो अब चाहिए भाई चाय। तो मम्मी किचन में चाय गर्म कर रही है, चलो अपन चाय लेके आते हैं वहीं किचन से। अरे बिल्कुल एकदम से पानी गिर गया खड़ा, बिल्कुल भड़बड़ में निकल भी नहीं पाया और उतने में पानी गिर गया। बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मम्मी ठंडा ठंडा सा लग रहा है, चाय दे दो जल्दी से गर्म करके। तो मम्मी हमारी चाय गर्म कर रही है। अम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अब भाई कम से कम एक गिलास चाय चाहिए, ठंडी है ऐसे ऐसे शरीर हो रहा है। चार बूंद पानी गिर गया सिर में ना, ठंडी से लगने लगी। ठंडा मौसम, रात से भी ठंडा मौसम। मम्मी तो बोले पंखा बंद करके सो, मैंने नहीं पंखा चालू रखो, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो मैं तो पंखा चालू करके सो रहा हूँ। चाय देखो क्या खोल रही है, और ऐसी चाय सुबह सुबह खोलते खोलते मिल जाए ना तो मजा आ जाता। पानी ले। लाओ पानी लाओ मम्मी। गई। ये एक गिलास गुनगुना पानी मैं रोज पीता हूँ चाय पीने के पहले। एक गिलास तो नहीं हो पाई पर आधी गिलास हो गई चाय। हे गाइस, नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत, और अभी सीए भाई साहब का कॉल आया था कि काम हो गया है आगे चेक कर लो, तो बस फटाफट निकलते हैं। हम लोग हो गए हैं तैयार, भाई साहब ने खाना खा लिया है, मैंने खाना नहीं खा पाया जल्दबाजी में। और देखो ये कल, देखो कल वाला मास्क कितना सुंदर है ना, क्या मस्त लग रहा है, मुलायम भी है। ये अच्छा है, 3 लेयर का प्रोटेक्शन है। हाँ, और बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसे में भी अच्छा लगेगा लगाने में। मैं सुबह से लगाया था, बहुत आराम था। ये कल मास्क लिए थे, मम्मी जी बैठी हैं पीछे, मम्मी बोले बिना खाए जा रहा, मैंने उनको काम बहुत जरूरी, काम निपटा के फिर आके फिर खाना खाएंगे। हो सकता है ना, अपन बाहर केला खरीद के भी खा सकते हैं। नहीं पहले काम निपटा, चलो फटाक से। पानी भी चालू हो गया, बूंदा पानी, और सुबह से पानी गिर ही रहा है यार, बंद ही नहीं हो रहा। बहुत दिमाग खराब होता है समय पर पानी गिरने लगता है। सैनिटाइजर रख लेते हैं पहले, सुरक्षा अपने साथ। हो गई गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो भैया पहुंच गए हम सीए भाई साहब के यहाँ, लगा दो यहीं गाड़ी, पूरे बाल खड़े हो गए मेरे। हमारा काम हो गया, थोड़ा समय लगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऑफिस, जहाँ हमें कागज सबमिट करने हैं। सब कागज कल वाले आज वाले सब मिला के वहाँ कागज सबमिट करके देना है समय पर, और से भी थोड़ा सा लेट है आज, तो चलो चल रहा है सीधे। भैया जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर लो। हाँ यार लेट हो गए हैं उसे ही, तो ऑफिस बंद ना हो जाए, ये दिक्कत है। पहुंच गए भैया ऑफिस, आ जाओ। अभी तो 3rd फ्लोर पे है। ऑफिस बंद होने के पहले 5 मिनट पहले हमने कागज डॉक्यूमेंट जो भी था वो जमा कर दी। 5 मिनट जो जमा करने वाले भैया थे वो ऐसे ऐसे 5 मिनट पहले आए हो, मैंने भाई जब जमा कर जमा भी नहीं हो पाता हो गया बिल्कुल अपन बिल्कुल राइट टाइम भाई, 5 मिनट पहले आगे जमा कर दिया, आप जमा कर लो, उन्हें कर लिए जमा। हम लोग पहुंच गए घर, और पानी से भीज भी नहीं पाए, पानी रुक गया था तुरंत ही, हम लोग सूखे सूखे आ गए हैं घर। नहा धो के आ गए हैं घर के अंदर, दिन में 2-2 बार नहाना पड़ रहा है, और आज काम की ऐसी टेंशन थी, सुबह का ना किया ब्रेकफास्ट ना किया लंच। भाई साहब बोले तो बाहर केला खा लो, मैंने मेरे को बिल्कुल केला नहीं खाना है, अब मैं घर जाऊंगा तभी खाऊंगा।
तो अभी शाम के हो गए हैं 6:45 यानी 7:15। अब भैया ने खाना गर्म कर दिया है, अब मैं करता हूँ दिन का लंच यानी दिन भर में अब खाना खा रहा हूँ। काम की बहुत टेंशन थी, फिर समय पर काम हो गया आज सबसे अच्छा, तो अब करता हूँ लंच। अभी लंच ही बोलेंगे क्योंकि दिन का लंच तो किए नहीं, तो लंच ही बोलेंगे। ये है दिन के दाल चावल, ये है पापड़ और बेबी रिंग, और ये आलू भट्टे की सब्जी। मम्मी जी को देखो ठंडी लग रही है, साल माल ओढ़ के बैठी है। मौसम ठंडा हो गया ना इसलिए ठंडी लग रही है। भाई मैं तो टी शर्ट में पंखा भी चलाते हूँ दिन भर, मैं तो दिन भर टी शर्ट में और रात भर भी टी शर्ट में ही सो रहा हूँ। मम्मी को देखो स्वेटर को, पापा भी हाफ स्वेटर पहने थे, दिन में साल ओढ़ के सो रहे। अरे मम्मी ठंडी लग रही है, भुट्टा रखे हैं फ्रिज में। हाँ भैया भूजे नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं भूजे नहीं है भैया, भुट्टा खाओगे? भुट्टा भूजे हाँ, दो दिन से पड़े हैं। तो मैं तो कब से सोच रहा हूँ भुट्टा की पाली करें, दो दिन से समय नहीं मिल पाया था। ये देखो आराम से बेचारे सो रहे थे ठंडी में, दो दिन से आराम कर रहे हैं। इनको भूनने वाला कोई नहीं है घर में कि इनको भून के कोई खाए। नींबू निकालो, ये वाले नींबू निकालो, इसको रखो भैया, इनको भूना जाएगा। ये देखिए हमारे भुट्टे, देखो कितने गजब के दाने इसमें भरे हुए हैं। दो दिन पहले हम सोच रहे थे इसको लकड़ी पे भूजेंगे जैसे ठेले वाले भूनते हैं इसको, पर हमारे यहाँ लकड़ी रखी थी वो गीली हो गई बरसात में, तो वो प्लान हो गया कैंसिल। हाँ पूरी गीली हो गई, अब हमको गैस पे इसको भूजना पड़ेगा, नहीं तो लकड़ी वाला जो भुट्टा होता है ना सोना पड़ा, धुआं बहुत होता है, धुआं होता है, धुआं तो होता है। आप लोगों ने ठेला पे देखा होगा, पंखा हिला हिला के घूमते धुआं होता, पर सोनापन बहुत होता, पर हम वो सोनापन अपनी गैस में भी लाएंगे। मैं क्या बोलता हूँ इसके, ऐसा खड़ा कर दे क्या, खड़ा कर दे ऐसे, हैं पूरा भुज जाएगा, पूरा भुज जाएगा, उसको भी खड़ा कर दो ये, पर थोड़ी दूर तक ही भूजेंगे। यहाँ तो अपन पलटा पलटा के भून लेंगे ना, डंठी तो लगी है इसमें डंठल, तो इसके ऐसे घुमा घुमा के भूजेंगे। आवाज आप सुन सकते हैं, चिट्टी चिट्टी आवाज आ रही, क्या आ रही है आवाज? आ रही। इसको बोलते हैं भुट्टे की आवाज। जितना समय कड़े वाले भुट्टे को भूनने में लगता था उससे आधा समय भी इसको नहीं लग रहा है ना, बहुत से भी कम लग रहा है, बहुत तेजी से भुट्टा भून रहा है। इतने भी क्या मेरे को सॉफ्ट दाने रहते हैं, पानी का ऐसा भरा रहता है। हाँ मुलायम मुलायम, आग में रखो बिल्कुल गर्म होता, पक पक फटना शुरू हो जाए। देखो कितनी स्पीड से भून रहा है, ये देखिए कितना स्पीड से भून रहा है, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये, मुलायम भी रहता है। और ये बीच वाला क्या आराम कर रहा है क्या? हाँ, वेटिंग लिस्ट में लगा है, वेटिंग लिस्ट में विश्राम कर रहा है, वेटिंग लिस्ट में है। हाँ। कि भाई वो खाली हो जाए तो मेरे को ले लो, है ना बेचारा। ये तीन भी वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं ये, बस दो दो करते हैं। एक हमने भुट्टा एक्स्ट्रा लिया था कि हम आधा आधा और खाएंगे। मुश्किल से लग रहा 10 से 15 मिनट में हमारे 6 भुट्टा भुज के तैयार हो जाएंगे। मसाला बनाए ना बने? हाँ पीला वाला है ना, पीला। हमारे पास मसाला नमक के 2 पैकेट है, उसको हल्का हल्का सा लगाएंगे और चटपटा हो जाएगा। बढ़िया घर का भुट्टा, भाई भुट्टा पार्टी हो गई अब तो यार। बढ़िया भैया, आज हम करेंगे भुट्टा पार्टी, विद फैमिली। तो भाई कोई पार्टी करो, फैमिली के साथ में करो तो अच्छा लगता है। हम लोग के भुट्टे भुज चुके हैं, नींबू लग चुका है, नमक लग चुका है, और हम लोग सब बैठ के कर रहे हैं भुट्टा पार्टी विद फैमिली। ये देखिए अब हम लोग सब मिलके इसको निपटाएंगे फटाफट। भाई साहब तो खुशबू कैसे रोक के वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता ही सट्टी कर जाती है। अब हमसे रहा नहीं है ना, फटाफट करते हैं भुट्टे को फिनिश। डिनर में बनी है खिचड़ी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। अब फटाफट करते हैं डिनर। हे गाइस, ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जुटी नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।